सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धर्म प्रोजित कई तगोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम। सत्य भगवान का स्वरूप सत्य है, तो परम सत्य भागवत कथा है। कृष्ण कथा ही परम सत्य है महाराज। क्यों? क्योंकि निर्मत शराणाम सताम ये ग्रंथ निर्मस्य है, किसी भी प्रकार के स्वार्थ यहाँ नहीं। भागवत में स्वार्थ नहीं है, भागवत में केवल सकाम भक्ति के वर्णन है। भागवत में वही बात बताया गया जो समस्त प्राणी के हित में है, इसलिए भागवत कथा परम सत्य है। जब आपके मन में, जब आपके कान में भागवत ये शब्द सुनाई देता है, जब आपने सुना कि ग्राम में, इस ग्राम में कथा हो रही है, तो आपके मन में भगवान विराजमान हो गए, है कि नहीं? भगवान आकर के विराजमान हो गए, विराजमान ही नहीं अवरुद्ध हो गए। और वहां से भगवान निकलते नहीं है। भागवत में इतनी शक्ति है, भागवत सुनते ही भगवान हमारे हृदय मंडल में विराजमान हो जाते हैं, इसलिए ग्रंथ परम सत्य है। कृष्ण कथा परम सत्य है। इस कथा का प्राकट्य कैसे हुआ? तब कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो भागवत कथा का प्राकट्य कैसे हुआ? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ विगलित पका हुआ फल ही भागवत कथा है। किसी ने पूछा, ये भागवत इतना सुंदर फल है तो इसे क्या करें? तब व्यास जी बोल रहे हैं, पिबत भागवतम, इस कथा को पान करो, क्योंकि ये रसमालयम रस ही रस से युक्त कथा है। इसमें फेंकने के लिए कुछ भी नहीं। जैसे आप अन्य फल खाओ तो उसमें छिलका होता है, गुठली होता है फेंकने के लिए, लेकिन भागवत ऐसा फल जिसमें फेंकने का तत्व है ही नहीं। इसे पान करते रहो, कब तक पिए? जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक पान करते रहो। प्यार से बोलो,